है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज दीप्ति साळुंके एंड आज के वीडियो होने वाला है अबाउट ट्रैवल व्लॉग. तो यूजुअली मैं ट्रैवल एंड DIY वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ये इटली की ट्रिप में हम 2-3 दिन वेनिस में रुके थे, तो ये हमारा होटल था. यहाँ से हम चेकआउट करके अभी मिलान के लिए निकल रहे हैं. आज का वेदर वेनिस पे बहुत ही अच्छा है. जब हम ट्रैवल कर रहे थे यहाँ पे तो 2-3 दिन पूरा फॉगी था, लेकिन आज का वेदर यहाँ पे बहुत ही अच्छा है. सो लेट्स होप कि सेम वेदर मिलान में भी हमें मिले. सो वेनिस से हमारी एक ट्रेन है जो मिलानो लेके जाएगी. ये कुछ 2 या 2.5 घंटे का ट्रैवल टाइम है. एंड आफ्टर 2 आवर्स फाइनली हम होटल में पहुंच गए. हमने यहाँ पे 1 और 2 BHK फ्लैट जैसा लिया है जिसमें किचन भी इंक्लूडेड है, तो किचन की सारी चीज़ें दी हुई है. एंड ये सिटी सेंटर के पास है, तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका. एंड ये हमारा किचन था. एंड देन दिस इज़ वन ऑफ द बेडरूम. एंड ये पैसेज है जहाँ पे एक साइड पे शेल्फ है एंड उसके अंदर बुक्स रखे हुए हैं. तो इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू चिल एट होटल यू कैन रीड दोज बुक्स, बट वो सारी इटालियन में थी तो हमें कोई यूज़ नहीं हुआ. बट देन येस, दिस इज़ वन ऑफ द हॉल कम बेडरूम. एंड देन इसको भी एक बालकनी दी हुई है. सो व्यू काफ़ी अच्छा है. सो जैसे मैंने बोला कि दिस इज़ आवर लिविंग रूम कम बेड. जो ये सोफ़ा है वो अगेन बेड बन जाता है, सो इट्स अ सोफ़ा कम बेड. एंड देन दिस इज़ अ सेकेंड बेडरूम जहाँ पे अगेन बालकनी दी हुई है. और ये रूम भी काफ़ी अच्छा है एंड इसमें भी कबर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, तो यस काफ़ी अच्छा है. तो होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम खाना खाने जा रहे हैं. एक इंडियन रेस्टोरेंट है पास में, तो वहाँ पे आए हैं हम लोग. एंड ये इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था. तो यहाँ पे हमने खाना खा लिया एंड देन इसके बाद हम जाएंगे सिटी सेंटर एक्सप्लोर करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ हमारा मिलान कैसल है जो सामने दिख रहा है. वो मिलान कैसल को 15th century में बांधा गया था एंड इसमें काफ़ी सारे मास्टर्स ने रूल किया था. नॉट जस्ट मिलान के प्रॉपर लोग, बल्कि बाहर से जो लोग आ रहे थे उन्होंने भी, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्टे एंड चार्ल्स 5th नंबर एम्परर, उन्होंने भी काफ़ी उसे रूल किया था. फोर्ट के साइड से ऐसे खंडक आपको इंडिया में भी काफ़ी सारे फोर्ट्स के साइड में दिखेगा. और सिग्निफिकेंस सेम ही है कि शत्रु से आसानी से कोई भी शत्रु फोर्ट के अंदर ना घुसे, इस वजह से वो बनाए गए थे. और ये कैसल के लिए कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है. उसके अंदर बहुत सारे म्यूज़ियम्स भी है, तो वो म्यूज़ियम्स के लिए टिकट्स है, लेकिन कैसल देखने के लिए कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है. 20th century में ये कैसल को मिलिट्री बेस की तरह यूज़ किया जा रहा था, जिस वजह से मिलान के काफ़ी सारे लोग नाखुश थे. एंड World War II में ये पूरी तरह से डिमोलिश हुआ था, जिसके बाद फिर से रिनोवेशन होके इसे बनाया गया है. तो ये ऐसा नहीं था जैसे अभी दिख रहा है, ये World War II के बाद रिनोवेट किया गया है और अब उसे आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स में कन्वर्ट किया हुआ है. कैसल में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम जा रहे हैं आर्को डी ला पेस देखने के लिए. ये यहाँ से एक पास ही है. एंड जब जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक टूर वूड दिखा जहाँ पे काफ़ी सारे फन इवेंट्स एंड गेम्स चल रहे थे. Aspetta,
तो यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह खेलिए, बहुत मज़ा आया है। एंड अब हम जा रहे हैं आर्को डेला पेस देखने के लिए। तो अगेन जाते टाइम रास्ते में इवनिंग हुई थी तो काफ़ी सारे लोग गेम्स वगैरह खेल रहे थे एंड काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ पे। यह है आर्को डेला पेस की बिल्डिंग एंड मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे स्टॉल्स थे जैसे इंडिया में पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं वैसे। यूजुअली यूरोप में ऐसे स्टॉल्स अवेलेबल नहीं होते लेकिन यहाँ पे थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड ये जो बिल्डिंग है ये या गेट भी मान सकते हो आप, ये गेट होता था जो अभी हमने कैसल देख के आए हैं उसको कनेक्ट करने के लिए। तो जो यहाँ पे आर्मी थी वो यहाँ से एंट्री करके वो कैसल में जाते थे। इसका आर्किटेक्चर आपको पेरिस का आर्क डी ट्रायम्फे की जैसे लगेगा क्योंकि उसको बनाने का एंड इसको बनाने का जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो लियोनार्डो दी विंसी ही थे। इस वजह से कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेगी आपको ये वाले में एंड पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फे के बारे में। तो ये गेट के सामने भी बहुत बड़ा सा सिटिंग एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ के इवनिंग स्पेंड करते हैं, सनसेट देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम भी आए हैं अभी सिटी सेंटर देखने के लिए। सो यहाँ पे इवनिंग में सिटी सेंटर एक्सप्लोर करते टाइम हमें ये भी बिल्डिंग दिख गई जहाँ पे हम कल आने का सोच रहे हैं लेकिन आज दिख गई। तो रात को ये कुछ इस तरह से दिखती है, फिर भी हम पास नहीं गए क्योंकि हमें वो कल आराम से देखना है। इसके बाद हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मिलान तो फैशन के लिए फेमस है एंड यहाँ पे जो फैक्ट्री आउटलेट्स है H&M की, ज़ारा की, प्राइमार्क की, वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे शॉप्स एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे हैं होटल एंड यहाँ पे हमने कुछ ख़रीदा नहीं है क्योंकि प्राइस रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही थे जो जर्मनी में मिलती है वैसे। तो क्यों ही लगेज बढ़ाना है, तो हमने कुछ ख़रीदा नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय।